हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज की अपनी इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज जो संबंधित हैं रेन से, क्योंकि आजकल बारिश का ही सीज़न चल रहा है, मानसून आ चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, तो सोचा क्यों ना बात की जाए रेन की यानी बारिश की। तो आज हम इस शॉर्ट वीडियो में सीखेंगे वोकैबुलरी ऑफ रेन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट है इट इज ड्रिजलिंग, DRIZZLING, इट इज ड्रिजलिंग। तो जब बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही होती है तो हम यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस को, इट इज ड्रिजलिंग, यानी बारिश बहुत हल्की हो रही है। और अगर सामान्य बारिश हो रही है तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। और मान लीजिए बारिश बहुत तेज है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इट इज पॉरिंग, PORING, इट इज पॉरिंग। एक और स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है भारी बारिश के लिए, इट इज लैशिंग डाउन, इट इज लैशिंग डाउन, जब बारिश बहुत तेज हो। और ऐसे ही कंडीशन में यानी घनघोर बारिश के लिए एक और स्टेटमेंट यूज किया जाता है, ये एक इडियम है, वो है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बारिश बहुत तेज हो रही है। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ये एक इडियम है जिसका संबंध बारिश से है, तेज बारिश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स या फ्रेजेज ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम बारिश के बारे में करते हैं, बारिश को बताने के लिए कि बारिश किस लेवल की हो रही है, बहुत तेज है या बहुत कम है। जैसे ड्रिजलिंग का मतलब है रिमझिम, बहुत हल्की, और इट इज रेनिंग मतलब सामान। और नीचे के तो तीनों सेंटेंसेज हैं, इट इज पॉरिंग, इट इज लैशिंग डाउन और इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब है घनघोर बारिश, तेज बारिश। ओके, तो ये शॉर्ट वीडियो आपको काफी कुछ सिखाने में कामयाब रहा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें उसको शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अपनी नेक्स्ट क्लास में